हेलो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे एम बी बी एस इन हंगरी कि हमें हंगरी क्यों चूज़ करना चाहिए एम बी बी एस के लिए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दिस इज मी एंड जबार फ्रॉम यूनिवर्सिटी पेज वीज़ा कंसल्टेंट अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें हंगरी शिंजन जोन में आता है एक ईस्ट यूरोपियन कंट्री है इसके साथ सल्वाकिया रोमानिया और यूक्रेन के बॉर्डर्स मिलते हैं वन ऑफ़ द सेफेस्ट एंड मॉडर्न कंट्री है यहाँ पे हंगेरियन लैंग्वेज बोली जाती है सेवेंटी टू एटी परसेंट लोग इंग्लिश भी बोलते हैं वन ऑफ़ द ओल्डेस्ट कंट्री है तो आपको यहाँ पे पुराना आर्किटेक्चर देखने को काफ़ी मिलेगा हंगेरियन फॉरेंस यहाँ की करेंसी है अफोर्डेबल कंट्री और बहुत ही खूबसूरत कंट्री है यहाँ के एक्सेप्टेंस रेशियो काफ़ी हाई है अगर यहाँ पे एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको यूरोपियन स्टैंडर्ड की एजुकेशन मिलती है यहाँ पे एम बी बी साल का था जो कि आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाता है हंगेरियन यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है ई से एक्सेप्टेड है तो आप कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं इजीली विदाउट एनी लाइसेंस आपको किसी भी टेस्ट की जरूरत नहीं होती आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप फ्रांस जर्मनी स्विट्ज़रलैंड स्वीडन और ऑस्ट्रिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं विदाउट एनी लाइसेंस और ये सबसे बड़ा एडवांटेज है स्टूडेंट्स के लिए हंगरी में चार मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें सबसे पहले आती है सेमल वाइज यूनिवर्सिटी डेबरसन यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ पैक्स और जैगद यूनिवर्सिटी आती है ये हंगरी की टॉप यूनिवर्सिटी है जहाँ आप मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ में एम में एडमिशन ले सकते हैं फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं इसके अलावा डेंटिस्ट्री में भी एडमिशन ले सकते हैं अगर यहाँ पे ट्यूशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे ट्यूशन फी सिक्सटी से लेकर नाइन्टीन डॉलर है अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके सिक्सटी मार्क्स होने चाहिए आपकी ट्वेल्व ईयरस एजुकेशन होनी चाहिए आर्ट्स में रिक्वायर्ड है कुछ यूनिवर्सिटी में आपका इंट्री टेस्ट भी होता है और इंटरव्यू भी होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मौजूद है स्टाइपेंडियम इंडियम स्कॉलरशिप मिलती है यहाँ पे और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप होती है गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलती है और यूनिवर्सिटीज की कुछ अपनी स्कॉलरशिप भी होती है जिसमें आपको फाइव हंड्रेड स्टाइपेंड मिलता है मंथली इसके अलावा आपको अकोमोडेशन मिलती है कुछ केसिस में आपको मिल फैसिलिटीज भी मिलती है और बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अगर हम इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस फेबर में स्टार्ट होती है जिसकी डेडलाइन मे से लेके मिड ऑफ जून तक रहती है एडमिशन के लिए आपका एंट्री टेस्ट होता है जिसमें आपके मेजर सब्जेक्ट्स को कवर किया जाता है जिसमें इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये टेस्ट आपने ऑनलाइन देना होता है टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू भी होता है फिर आप जाके सिलेक्ट होते हैं एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फी होती है जो 300 हंड्रेड यूरो से लेके 400 हंड्रेड यूरो तक हो सकती है ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं अगर हम पार्ट टाइम जॉब्स की बात करें तो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए पार्ट टाइम जॉब्स भी अवेलेबल होती हैं ट्वेंटी आवर्स अलो होता है स्टूडेंट्स को जॉब करना जिससे आप फिफ्टीन हंड्रेड यूरो पर वीक कमा लेते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है जॉब करना लेकिन आपके लिए अपॉर्चुनिटी मौजूद ज़रूर होती है अब हम डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं इसमें सबसे पहले आपका पासपोर्ट आ जाता है सी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स पिक्चर्स अकोमोडेशन प्रूफ फ़्लाइट रिजर्वेशन एक्सेप्टेंस लेटर मोटिवेशन लेटर पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट और अगर आपने यूनिवर्सिटी को फ़ी जमा करवाई तो आपने उसकी फ़ी रिसिप्ट साथ अटैच करनी होती है इसके साथ साथ आपको बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होती है जो कि थ्री टू फोर मिलियन होती है आपने सिक्स मंथ्स के लिए बैंक स्टेटमेंट शो करवानी होती है हंगरी का वीज़ा रेशियो काफ़ी अच्छा है बाकी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो आपको ईजीली यहाँ का वीज़ा मिल जाता है और सबसे मजे की बात यह कि आपको आफ्टर स्टडीज पी मिलता है जिसे आप इजीली एक साल तक अपनी जॉब ढूंढ सकते हैं तो अगर आप हंगरी में तीन साल कंप्लीट कर लेते हैं तो आप उसके बाद पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं हंगरी में एम करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जैसे कि आप ईयू में कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आपको एक्सपोयर मिलता है हंगरी शिजन जोन में आता है यूरोपियन यूनियन का हिस्सा तो आप किसी भी दूसरी यूरोपियन कंट्री में इजीली ट्रैवल कर लेते हैं इसकी डिग्री ई से रिकोगनाइज है तो आप कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी फर्दर किसी भी यूरोपियन कंट्री में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं तो ये सारे बेनिफिट्स हैं हंगरी में एम करने के और अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आप फ्री में हंगरी में एमबीबीएस कर सकते हैं तो ये थी आज की हमारी वीडियो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी मजीद अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं हम आपको गाइड करेंगे मिलते हैं इस तरह की मजीद वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिएगा शुक्रिया अल्लाह